दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजा है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को जरूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी ज़रूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओल के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ही फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है रिलीजी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुरनी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूझ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनित यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजिया को और मुंजिया का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ट हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपने पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सी हॉलर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें स्त्री के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और एक कमबैक बहुत डांस होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मूजा का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्ड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा जिंदा है नहीं है लेकिन उसके जो ख्वाहिश है पूरी कर ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनेकामंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी जुड़ेल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू हुआ है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सिटी हॉर यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद ऊपर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैट फिल्म्स है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म की कास्ट के का बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी जुड़ेल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सर्वरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और, और तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स ही हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बिगड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिश वो पूरी देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैटिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर है लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे इन मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनित यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्ने शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स हॉर हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीजर भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उरड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडी से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहश वो पूरी कर ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जैसे कि मूवी कब रिलीज हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालाँकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओलडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे इन मूवी का रिलीज डेट आता है ओर वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुनी लाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी वाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर और यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीजर के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्स ही हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद ऊपर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत ढांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मजा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्डी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस अफ्तार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडी से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा करी देगा भले मुंजा जिंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी करी देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप आप तक 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 जब जब तब तब ये 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 मूवी मूवी आ भी भी चुकी हो या ये भी हो हो या सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब तब ये ये वीडियो आए ना आई क्योंकि मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनेकामंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनीत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर और यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ट हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्स ही हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्डी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा जिंदा है नहीं है लेकिन उसके जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी कर ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फ़िल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म हैं इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म की कास्ट के का उसके बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस अब थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू हुआ है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और, और तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ट हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स हॉर हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम बैक करेंगा और ये कम बैक बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिश वो पूरी कर ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मेडिक फिल्म्स है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर है लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी जुड़ेल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू हुआ है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स की आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ट हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स हॉर हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद ऊपर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है जरूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीजर भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मजा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को जरूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उरडे के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश वो पूरी ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म्स है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को जरूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओलडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनेकामंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनित यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर और यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और और तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स ही हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें में इस तरीके के साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मजा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्ड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडी से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा करी देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिश वो पूरी देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक जब तब ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमा घर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी वाघ द्वारा अभिनीत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्स ही हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें स्त्री के साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम बैक करेंगा और ये कम बैक बहुत डांसो होने वाला है अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्डी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस हफ्तार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैटिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओलडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस अब थोड़ा वेट कीजिए जैसे इन मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनीत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सी हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेगड़िया के साथ उम्मीद ऊपर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी कर ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस अब थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व जुड़ेल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू हुआ है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सर्वरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और, और तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ट हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सिटी हॉर की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बिगड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा करी देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिश वो पूरी ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मेडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओर के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर है लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे इन मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुर्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनित यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्ने शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स हॉर हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उरड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडी से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा जिंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी कर ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जैसे कि मूवी कब रिलीज हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी उड़ी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनेकामंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी लाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनीत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अट्ठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्स ही हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें स्त्री के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम बैक करेंगा और ये कम बैक बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मजा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्डी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा जिंदा है नहीं है लेकिन उसके जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी कर ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडी के ऊपर लगभग चार या पांच वीक के बाद यह फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस अब थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनीत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ट हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स ही हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा जिंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैट फिल्म्स है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म की लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस अब थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी जुड़ेल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सर्वरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अध वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और, और तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सिटी हॉर की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें स्त्री के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बिगड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीजर है नहीं देखा है जरूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीजर भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मजा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस्कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिश वो पूरी ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मेडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर है लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे इन मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनित यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्ने शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स यूनिवर्सी हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीजर भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उरड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिश है पूरी कर ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को जरूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओलडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर है लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनेकामंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे इन मूवी का रिलीज डेट आता है ओर वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी लाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्ने शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजिया है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्स ही हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मजा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्डी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडी से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा करी देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिश वो पूरी देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट की होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओलडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना वह थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनीत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डर फोक है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सी हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्ड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसके जो ख्वाहिहिहिश हो पूरी ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीज़र आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मैडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मंत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूँगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब पूछ समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू हुआ है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ दोबारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़के से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड की इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी व्यस्त रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेस्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉर यूनिवर्सी हॉर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉक मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बिगड़िया के साथ उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम बैक करेंगा और ये कम बैक बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मैडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पे मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पे तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिश हो पूरी ही देगा इस्कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा जैसे कि मूवी कब रिलीज़ हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुंजिया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मेडिक फिल्म्स है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालांकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखी हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुँचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओरडे के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के लड़का के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज जो कि साउथ के एक्टर है लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिका मत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीजर तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हास्यपूर्ण मोड में उसका पूर्व जुड़ियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू हुआ है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सर्वरी बाघ द्वारा अभिनत यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉरर यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और, और तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स हॉर हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें इस तरीके के साथ एक मजेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बिगड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है ओरडी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडे से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिश वो पूरी कर ही देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक धमाकेदार फिल्म देखने को मिलने वाली है और ये फिल्म दोस्तों बहुत ही तगड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें एक लड़के की लव स्टोरी अधूरी रहती है लेकिन बाद में वो भूत बन के आता है और अपनी जो लव स्टोरी वो पूरी करता है नहीं ये आपको मूवी के अंदर देखना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा साथ ही में इस मूवी का जो टीजर आया है ट्रेलर आया है इसका हम रिव्यू करेंगे और मूवी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जैसे कि मूवी कब रिलीज हो रही है कौन से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज किया जाएगा ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो फिल्म का नाम दोस्तों मुझे आया और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर जो यूट्यूब पर आया हो देख ही लिया होगा पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में तो ये जो फिल्म है वो एक यूनिवर्स माना जा रहा है अगर आप लोगों ने स्त्री मूवी को देखा होगा तो कहा जा रहा है कि ये भी उसी के अंडर आने वाली एक और फिल्म होने वाली है और फ्यूचर में आपको ऐसे ही कमाल की फिल्में जो है वो देखने को मिलने वाली है दोस्तों जो मेडिक फिल्म है इनकी जो मूवीज़ होती है वो सबसे हट के होती है और हर बार वो कुछ नया करते हैं और इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं इस कमाल की मूवी को दोस्तों आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में तो मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य जी ने अगर दोस्तों आप लोग फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा हालाँकि इन्होंने पहले बहुत सी मूवीज़ दे रखी है लेकिन हो सकता है कि आपने वो भले ना देखे हो लेकिन ये वाली मूवी आप इनकी जरूर देखेंगे अब चलिए बात करें मूवी के बारे में कब आ रही है तो दोस्तों हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब पहुंचे तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो या ये भी हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक जब आए तब ये मूवी ना आई हो क्योंकि ये वीडियो मैं काफी समय पहले बना रहा हूँ और ये मूवी रिलीज होने वाली है सात जून दो हजार चौबीस को जी हाँ अगले महीने ये मूवी सात तारीख को रिलीज हो रही है तो आप सभी लोग जो है इस मूवी को देख सकते हैं सिनेमाघर में जाके और कुछ समय बाद ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी ओलडी के ऊपर लगभग चार या पाँच वीक के बाद ये फिल्म आपको देखने को मिल जाएंगी अगर फिल्म के कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर अभय वर्मा मोना सिंह सत्यराज राज जो कि साउथ के एक्टर हैं लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा सरवरी वाघ और अनिकांत ऐसे आपको बहुत से किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों मैंने इस मूवी का ट्रेलर दो बार देखा टीज़र तीन बार देखा और जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता रहा हूँ अगर आप लोगों को दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को आगे तक देखिए वरना बस आप थोड़ा वेट कीजिए जैसे मूवी का रिलीज डेट आता है उर्डी वाला तो मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा दरअसल कहानी होती है मुंजिया की जो कि एक ऐसा युवा लड़का होता है जो कि मुन्नी नाम की एक लड़की शादी करना चाहता है लेकिन अपनी इच्छा पूरी करने से पहले उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बड़ी दुखद घटना होती है और घटना के चलते अब दोस्तों वो जो है एक हाष्यपूर्ण मोड में उसका पूर्वी स्टूडियल संस्कार में हमारा एक नया नायक मिलता है मतलब कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है ना ही जिंदा है ना ही मरा है मतलब भूत समझ सकते हैं और वो फिर एक ही इंसान को दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर होता यू है कि जो अजय वर्मा है इनके द्वारा यहाँ पर एक किरदार निभाया है और उनकी जो प्रेमिका है सरवरी बाघ द्वारा अभिनित यहाँ पर टकराता है मतलब जो मूवी का हीरो आप मान सकते हैं वो जिस लड़की से प्यार करता है अब जो हीरो है वही देख सकता है मुंजा को और मुंजा का ये सपना है कि उसे जो है मुन्नी शादी करनी है और यहाँ पर दोस्तों जो मूवी का ट्रेलर है वो देख आप साफ साफ समझ सकते हैं कि जो मूवी के अंदर हीरो दिखाया गया है वो थोड़ा डरफ हो गया है क्योंकि जो उसके सामने मुंजा है वो खुद ऐसा दिखता है कि कोई भी डर जाएगा तो ये जो सीरीज़ है हॉर और यूनिवर्स के आप मान सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही डिफरेंट है जो कि उनके मिथक का एक मजबूत हिस्सा भी है और आधो अधूरी वास्तविकताओं से मिली हुई है और स्त्री कल आना की जो लोक कथा है उनके बाद दिनेश विजन की टीम मुंजा लेके आई है जो कि महाराष्ट्र की लोक कथाओं से काफ़ी प्रेरित है दो मिनट और अठारह सेकंड के इस टीज़र के अंदर आपको दोस्तों कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलता है और का तड़का भी देखने को मिलता है तथा फिल्म की कहानी का जो खुलासा है वो करने के बावजूद भी ये जो टेलर है वो काफ़ी बेस्ट रहता है और सर्वश्रेष्ठ हॉरर भागों में से ये एक फिल्म बेफ्ड हो सकती है जो कि कम बजट के अंदर बनाई गई है लेकिन यह फिल्म क्लासिक होने वाली है और ये दोस्तों बहुत ही धूम मचाने वाली फिल्म है और अपनी पहली झलक के अंदर ही इस फिल्म ने सभी लोगों के दिल जीते हैं अच्छी चीज़ों का वादा करते हुए हमें उम्मीद है कि हॉरर यूनिवर्स ही हॉरर यूनिवर्स की एक बहुत ही बड़ी जो है ब्लॉकबस्टर मूवी रहेंगी और जिसमें में इस तरीके के साथ एक मज़ेदार सवारी का वादा किया है लेकिन रूही और बेहड़िया के साथ उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा सका लेकिन दोस्तों जो मुंजिया है वो बहुत ही बड़ा कम करेगा और ये कम बहुत डांसो होने वाला है अभी तक तो आप लोगों ने इस मूवी का जो ट्रेलर है या टीज़र है नहीं देखा है ज़रूर देखिए मैडिक फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर टीज़र भी अवेलेबल है ट्रेलर भी अवेलेबल है कहानी दोस्तों काफ़ी सिंपल रहने वाली है लेकिन हाँ वो देखने का मज़ा बहुत आएगा फिल्म के अंदर थ्रिलर होगा एडवेंचर होगा और मुंजिया का वो लुक जो कि काफ़ी डिफरेंट है एक पल के लिए हमें हॉलीवुड लेवल का जो एक्सपीरियंस करा देता है इस कमाल की मूवी को आप लोग सात जून को ज़रूर देखिएगा दोस्तों और जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है उर्ड़ी के ऊपर और इस मूवी का ऑफिशियल डेट आता है काफ़ी चांस बनते हैं कि यह आपको डिजनी प्लस ऑफ्टार या फिर अमेजन प्राइम वीडियो इन दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है क्योंकि जो मेडिक फिल्म की मूवीज़ है वो हमें या तो डिजनी प्लस पर मिलती है या फिर अमेजन प्राइम पर तो जैसे ही दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है और मुझे कुछ और जानकारी मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और क्या आपको लगता है कि मुंजा मुंडी से शादी कर पाएगा क्या वो ठीक हो गया नहीं ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा हालांकि यहाँ पर मूवी का जो हीरो दिखाया गया वो काफ़ी इनोसेंट है तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुंजा का सपना पूरा कर ही देगा भले मुंजा ज़िंदा है नहीं है लेकिन उसकी जो ख्वाहिहिहिश वो पूरी करी देगा इस कमाल की मूवी को दोस्तों देखना मत भूलिएगा सात जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में